नागदा से राजनीतिक संरक्षण के चलते नागदा के उद्योग की आड़ से गुलजारीलाल त्रिवेदी द्वारा गुजरात महाराष्ट्र से वेस्ट एसिड टैंकरों से भरकर नागदा लाया जाता है और इस इंगोरिया रोड स्थित गोल्डन केमिकल परिसर में ही इस वेस्ट एसिड को ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है। यह कहते हुए चंबल बचाओ आंदोलन संयोजक दिनेश दुबे ने कहा कि गुलजारी लाल त्रिवेदी द्वारा पिछले कई वर्षों से वेस्ट एसिड डोलने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, गोल्डन केमिकल परिसर की जमीन में 3-4 बोरिंग करवाए गए हैं, जिसमें वेस्ट एसिड को सीधे जमीन में उतारा जा रहा है, जिससे पूरे हाउसिंग बोर्ड इंगोरिया बाईपास की जमीनों का भूजल दूषित हो गया है। दुबे द्वारा इसकी शिकायत विभिन्न विभागों को करी गई है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस शिकायत की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर क्या कार्यवाही करता है। दुबे जी, आपने ये एसिड ढोलने वाला वीडियो वायरल किया है, उसमें क्या मामला है? ये देखिए, इंगोरिया रोड पर एक गोल्डन केमिकल करके एक एसिड माफिया है गुलजारीलाल त्रिवेदी। ये काफी लंबे समय से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आड़ में वेस्ट एसिड ढूंढने का काम करता है। इसको जमीनों के अंदर ये बोरिंग करके के डालता है, नदियों में ढोलता है, नालों में ढोलता है, और यही एक मामला है। उसका कैंपस, उसका प्रीमाइसेस है गोल्डन केमिकल का, जो अभी उसने नया परचेस किया है, बेशकीमती, काफ़ी महंगा है ये, और उसके अंदर इसने ज़मीन के अंदर बोरिंग करके एसिड ढूंढने का, वेस्ट एसिड जो है इसके द्वारा ढोला जाता है। और ये जो वीडियो वायरल किया है, ये उसी कैंपस का वीडियो है जिसके अंदर ये वेस्ट एसिड ठिकाने लगा रहा है पूरा। और अक्सर इस तरह की घटना इसके कैंपस के आसपास देखी जाती है।